यदि 12th क्लास में आपसे कोई पूछता है कि आपकी इनऑर्गेनिक कैसी है, यदि 12th क्लास में इनऑर्गेनिक के बारे में आपसे चर्चा कर रहा है, तो सीधी सी बात है वो पी ब्लॉक के बारे में पूछ रहा है, क्योंकि 12th में पी ब्लॉक इनऑर्गेनिक का एक सबसे बड़ा और सबसे प्यारा पोर्शन है। तो पी ब्लॉक पढ़ते हैं, देखते हैं किस तरह से एक पोर्शन जो इसका 11th में होता है, एक पोर्शन जो इसका 12th में होता है। 11th में बेचारा छोटा सा नन्हा सा होता है, लेकिन बात करें 12th में, तो 12th में बहुत अच्छा है, वास्ट है काफ़ी कुछ इसके अंदर, और बहुत सारी चीज़ें जो 11th में सीखते हैं रिपीट भी होती है। लेकिन अपन पहले 12th वाले पोर्शन कंप्लीट करेंगे, उसके बाद 11th के। 12th वाले पोर्शन कंप्लीट करने का मतलब क्या है, इसमें 15th से लेकर 18th तक के सारे ग्रुप अपन कंप्लीट करें। इवन एक ग्रुप अपने आप में चैप्टर है, एक ग्रुप भी अपने आप में पूरा चैप्टर का रोल प्ले करता है। तो कंटिन्यू करते हैं, वन बाई वन एक एक ग्रुप को सीखते हैं। तो इससे पहले मैं एक छोटी सी चीज़ सिखाऊंगा, इससे पहले एक छोटी सी चीज़ सिखाऊंगा कि इस चैप्टर का मैप या नक्शा कैसा है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं, मैं नवीन जोशी आपके साथ कंटिन्यू कर रहा हूँ पी ब्लॉक, जो कि एक बहुत बड़ा हिस्सा है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, और इसमें बॉन्डिंग की हेल्प लगी है अच्छी खासी। तो प्लीज़ यदि आप लोगों ने बॉन्डिंग अच्छे से नहीं किया, तो वन लेक्चर वन चैप्टर की सीरीज़ है, वहाँ जाके आप जो बॉन्डिंग केमिकल बॉन्डिंग है उसको ज़रूर देखना, आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, बहुत कुछ अच्छे से होगा, तो प्लीज़ आप उसको ज़रूर देखें। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं पी ब्लॉक। तो पी ब्लॉक में मैं जब आपको 15th ग्रुप पढ़ाऊंगा, तो सबसे पहले इसका एक बेसिक इंट्रोडक्शन दूंगा। इंट्रोडक्शन देखो एक चैप्टर का दिया जाता है, एक जनरली अपन बहुत सारे चैप्टर का इंट्रोडक्शन सुनते हैं देखते भी हैं, लेकिन इस बार कुछ नया कुछ अलग तरीके से इस चैप्टर को मैं जब सिखाऊंगा, तो इस चैप्टर में सारे मैं आपको एक मैप बनाऊंगा, एक नक्शा बनाऊंगा कि अपन कहाँ घूमने चलेंगे, इस चैप्टर के अंदर क्या क्या सीखेंगे। तो नक्शा इन द सेंस जो स्ट्रक्चर में 15th ग्रुप के लिए बनाऊंगा, वो सेम टू सेम स्ट्रक्चर में 16th के लिए, 17th के लिए, 18th के लिए फॉलो करूंगा, और जब 13 एंड 14 पढ़ेंगे तब भी सेम स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। तो आप लोग इस स्ट्रक्चर को याद रखना, ताकि जैसे यार सीधी सी बात है, यदि आपके पास किसी शहर का नक्शा है ना, तो घूमने में बड़ा मज़ा आएगा, रैंडमली कहीं घूमोगे तो गुम हो जाओगे, घूमोगे नहीं गुमोगे। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं अपन लोग पी ब्लॉक को। पी ब्लॉक में अपन क्या सीखेंगे, वन बाय वन हेडिंग सिखाता हूँ मैं आपको, बताता हूँ। सबसे पहले अपन लेंगे इंट्रोडक्शन, एज यूजल हर टॉपिक के अंदर होता है इंट्रोडक्शन, तो सबसे पहला पॉइंट इंट्रोडक्शन का आ जाएगा। अब इंट्रोडक्शन में क्या है ना, इंट्रोडक्शन में क्या, इस ब्लॉक के बारे में छोटी सी जानकारी, किस तरह के एलिमेंट है इसमें, ये एलिमेंट क्यों रखे हैं, कितने एलिमेंट हैं, ये सारी चर्चा आज वाली क्लास में ही हो जाएगी। ठीक है, जैसे ही पूरे ये पूरे पी ब्लॉक का इंट्रोडक्शन है, कंप्लीट ब्लॉक का इंट्रोडक्शन है, कंप्लीट ब्लॉक का इंट्रोडक्शन है, ऐसा नहीं किसी एक पर्टिकुलर चीज का। उसके बाद अपन चलेंगे ग्रुप वाइज, तो सेकंड वन इज ग्रुप। अब उस ग्रुप में स्विच करेंगे, जैसे 15th ग्रुप के अंदर पढ़ना है तो 15th के अंदर चलेंगे, फिर 16, फिर 17 ग्रुप के अंदर जैसे चलेंगे, तो अपन जो ग्रुप इसकी हेडिंग डालेंगे। इसके बाद ग्रुप के अंदर क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले उसके एलिमेंट्स, उस ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट्स रखे हुए हैं। तो सबसे पहले ग्रुप में ग्रुप एलिमेंट्स, ग्रुप एलिमेंट्स, और ग्रुप एलिमेंट का नाम लिखेंगे, कौन कौन एलिमेंट है उस ग्रुप में, जनरली अपने को पता रहता है लेकिन लिखना जरूरी है। ठीक है, चलो ग्रुप एलिमेंट के बारे में अब सुनना। अब जो हेडिंग्स आने वाली है, बेसिकली वो हेडिंग अपने आप में स्पेशल होगी उस टॉपिक को लेके। सबसे पहली हेडिंग हर किसी ग्रुप में, हर किसी ग्रुप में अलग तरीके से होगी। सबसे पहले जो हेडिंग आएगी वो जनरल प्रॉपर्टीज, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप एलिमेंट्स, क्या जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप एलिमेंट, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप एलिमेंट पे अपन क्या डिस्कस करेंगे। सिंपल सी 4-5 प्रॉपर्टी है, जैसे रेडियस, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, या फिर ईए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सिंपल सी बेसिक सी चीज़ें हैं वो अपन डिस्कस करेंगे। जैसे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन उस ग्रुप की जनरल प्रॉपर्टीज के नाम से जानी जाती है। उसके बाद में ग्रुप की फिजिकल प्रॉपर्टी, मतलब ग्रुप की फिजिकल प्रॉपर्टी, ना कि पर्टिकुलर एलिमेंट की। आप चाहो तो नाइट्रोजन की फिजिकल एलिमेंट, जैसे नाइट्रोजन फर्स्ट एलिमेंट है 15th ग्रुप का, आप चाहो तो केवल नाइट्रोजन की फिजिकल प्रॉपर्टी डिफाइन करो, लेकिन आप चाहो तो पूरे ग्रुप की डिफाइन कर सकते हो। ग्रुप में वो करते हैं जो कॉमन, जैसे मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हो गया, तो उनका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फिजिकल स्टेट होगी, एलोट्रोपिक फॉर्म किस तरह से होता है, तो ये सारी जनरल फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात होगी, जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज। उसके बारे में बेसिकली अपन जनरल केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, फिजिकल के बाद में केमिकल प्रॉपर्टी, तो उसके बाद में है जनरल, और ये केमिकल प्रॉपर्टी ग्रुप की है ना, जनरल केमिकल प्रॉपर्टी जो इस ग्रुप की केमिकल प्रॉपर्टी होगी। हाँ, जो जनरल केमिकल प्रॉपर्टी अपन सीखेंगे, इसके अंदर कुछ सब हेडिंग्स आएगी, उसको लिखना भी जरूरी है,
क्योंकि ये फिक्स कल्चर जो अपन फॉलो करेंगे, इस फिक्स कल्चर को अपन फॉलो करेंगे, जो सबसे पहले इसके अंदर अपन लेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट, जनरल केमिकल प्रॉपर्टी में ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे पहले अपन प्रॉपर्टी लेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट। अब क्या जानकारियाँ क्या चर्चा करेंगे सब वहाँ पर लिखेंगे, सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट, उसके बाद में एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, उस ग्रुप का सबसे पहला एलिमेंट जो होगा उस कुछ डिफरेंट बिहेवियर अपने ग्रुप एलिमेंट से, एबनॉर्मल प्रॉपर्टीज लिख दो भले ही, एबनॉर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, पहले एलिमेंट के क्या ऐसी प्रॉपर्टी थी तो डिफरेंट थी अपने ग्रुप से, और फाइनली केमिकल रिएक्टिविटी, वो केमिकली कैसे रिएक्शन करता है, ये दोनों सीखेंगे ना तभी केमिकल रिएक्टिविटी समझ आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट हमें ये सिखाएगा क्या किस ऑक्सीडेशन स्टेट में जाके वो प्रोडक्ट बनाएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट के बिना कैसे पता चलेगा कि वो कौन सा किस तरह का प्रोडक्ट बनाता है, और इसका मतलब एबनॉर्मल बिहेवियर, यदि इस तरह से ऑक्सीडेशन स्टेट आती है तो नाइट्रोजन कुछ एबनॉर्मल है तो कुछ क्या पता प्रोडक्ट बदल जाए नाइट्रोजन के केस में, तो ये भी प्रॉपर्टी इसके अंदर डिस्कस हो जाएगी, उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। थर्ड वन इज केमिकल रिएक्टिविटी, केमिकल रिएक्टिविटी मतलब रासायनिक अभिक्रियाशीलता, हालांकि मैं सबके नाम हिंदी में बोलूंगा, केमिकल रिएक्टिविटी कुछ फिक्स रिएजेंट्स अपन ने कर रखे हैं उनसे ये रिएक्शन करते हैं तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, केमिकल रिएक्टिविटी के अंदर रखेंगे, तो उसके बाद जनरल केमिकल प्रॉपर्टी होगी कंप्लीट। उसके बाद में अपन क्या करेंगे, जो फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट और सेकेंड ग्रुप एलिमेंट है उनके कुछ कंपाउंड्स पढ़ेंगे, जैसे फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन का कंपाउंड पढ़ेंगे अपन लोग, सेकेंड है फॉस्फोरस को फॉस्फोरस के कंपाउंड पढ़ेंगे, तो नेक्स्ट लिखता हूँ मैं सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ फर्स्ट, या सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड लिख दो, फर्स्ट एंड सेकंड एलिमेंट को जरूरी नहीं है, वो इंपॉर्टेंट कंपाउंड जनरली फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप के होते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड एलिमेंट्स की होते हैं, ठीक है, लेकिन इसके अंदर ही कुछ सब हेडिंग्स आएगी वो बड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। सबसे पहले इसका प्रिपरेशन मेथड, सबसे पहले इसका निर्माण की विधि, प्रिपरेशन मेथड सबसे पहले अपन इसके बारे में ये जानेंगे, दूसरा अपन इसके बारे में सीखेंगे जैसे प्रिपरेशन मेथड कंप्लीट हुआ इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज उस कंपाउंड की, फिजिकल प्रॉपर्टीज भौतिक गुणधर्म, और फाइनली अपन केमिकल प्रॉपर्टीज रासायनिक गुणधर्म एंड फाइनल एप्लीकेशंस या यूजेस ऑफ कंपाउंड। अब सुनना, ये जो हेडिंग्स मैंने आपके सामने लिखी है सबसे पहले उसका अपन जानकारी लेंगे, फिर वर्ग पर आएंगे, वर्ग के तत्वों पर आएंगे, उन वर्ग के सामान्य गुणधर्म, उन वर्ग के तत्वों के सामान्य गुणधर्म पे आएंगे, उनके भौतिक गुणधर्म पे आएंगे, उनके रासायनिक गुणधर्मों पे आएंगे, उसमें ऑक्सीकरण अवस्था होगी, असामान्य व्यवहार पहले एलिमेंट का हो गया, और रासायनिक अभिक्रियाशीलता हुई, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड कुछ महत्वपूर्ण यौगिक आएंगे, इसमें बनाने की विधि आ गई, भौतिक गुणधर्म आ गए, रासायनिक गुणधर्म आ गए और उसके उपयोग आ गए। अब सुनना, कहाँ पर केमिकल रिएक्शन आती है, कहाँ पर बच्चे को थोड़ी परेशानी होती है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले जो केमिकल रिएक्शन आनी स्टार्ट होगी कुछ यहाँ से केमिकल रिएक्शन आनी स्टार्ट हो जाएगी, केमिकल रिएक्शंस मतलब अपने को बहुत सारी केमिकल रिएक्शन याद करनी है इस चैप्टर के अंदर, तो यहाँ से केमिकल रिएक्शन आनी स्टार्ट होगी, और जहाँ पर प्रिपरेशन मेथड जो है यहाँ पर खूब सारी केमिकल रिएक्शन आएगी, और जो केमिकल रिएक्टिविटी या केमिकल प्रॉपर्टीज उस कंपाउंड की यहाँ पर खूब सारी केमिकल रिएक्शन आएगी। तो एक दो और तीन, ये तीन जगह ऐसी है जहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल रिएक्शंस आने वाली है, और आपको काफ़ी सारी रिएक्शन याद करनी पड़ेगी। हाँ, हर रिएक्शन का एक लॉजिक होता है, ऐसी हवा में बात नहीं होगी कि रिएक्शन रटनी है आपको, ऐसा कुछ नहीं है, हर रिएक्शन के पीछे एक बेसिक लॉजिक होता है, कंसेप्ट होता है, नेचर, कुछ एक पर्टिकुलर टाइप की रिएक्शंस होती है, चार पाँच तरह की, उनमें से कोई एक पर्टिकुलर टाइप अपने को ढूंढना है और बताना है रिएक्शन इसलिए हुई। इस तरह से अपने चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। हाँ, अब मैं इंट्रोडक्शन को यहीं ले लेता हूँ, जैसे कुछ बातें इंट्रोडक्शन की यहाँ पर करना चाहूँ मैं आपके सामने, इंट्रोडक्शन सिंपल से तीन चार पॉइंट है, सुनना। सबसे पहला पॉइंट कि इस ब्लॉक या पी ब्लॉक में कौन से एलिमेंट को रखा हुआ है, इस ब्लॉक में कौन से एलिमेंट को रखा हुआ है, तो उन एलिमेंट्स को पी ब्लॉक में रखते हैं जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सबसे में उपस्थित हो।
क्या दोज एलिमेंट्स हुज लास्ट इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन पी सबसेल दे आर प्लेस्ड इन पी ब्लॉक। सिंपल सी बात है, वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी कोष में उपस्थित होता है उस तत्व को कहाँ रखते हैं अपन लोग, पी ब्लॉक में। आपको सबको पता है कि जो पीरियोडिक टेबल है आवर्त सारणी जो है किसके आधार पर बनी हुई है, वो बनी हुई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्यूग्रेशन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर बनी हुई। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अकॉर्डिंग ये मतलब अपन जब पीरियोडिक सीखते हैं, आपने जाके देखना लेक्चर्स में बहुत अच्छे समझाया हुआ है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जहाँ होता है वही उसका ब्लॉक होता है। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन यदि पी सबसेल में है, पी ऑर्बिटल्स में है, तो अपन क्या बोलेंगे ये पी ब्लॉक का एलिमेंट है। ठीक है, उसके बारे में सेकेंड काम का पॉइंट आता है ये कौन एलिमेंट कौन सा होगा, ये बात कर ली। उसके बाद में खास बात है कि इसमें छः ग्रुप ही क्यों हुए, सात भी हो सकते थे, पाँच भी हो सकते थे, चार भी हो सकते थे, ऐसे छः ग्रुप ही क्यों हुए, दस क्यों नहीं हुए, दो क्यों नहीं हुए, क्योंकि एक जो पी सबसेल होता है, एक जो पी उपकोष होता है उसमें अधिकतम छः इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम सिक्स इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। हर इलेक्ट्रॉन भरने पर अपन एक ग्रुप स्विच करते हैं, आगे चलते हैं, तो मैक्सिमम छः अपन इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं, तो छः ग्रुप ही तो आगे चलेंगे, तो इसके अंदर छः इलेक्ट्रॉन पी सबसेल होल्ड कर सकता है, इसलिए इसके अंदर छः ग्रुप ही है। ठीक है, सिक्स ग्रुप आ गए। उसके बाद ओपन चलते हैं, इसके अंदर जो एलिमेंट रखे हुए हैं इन एलिमेंट्स का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। तो आपको पता है पी ब्लॉक जो भरता है तो पहले एस भरा करता है, तो एनएस भरने के बाद में, एनएस टू होने के बाद में एन पी एक से छः, मतलब पी वन पी टू पी थ्री पी फोर पी फाइव एंड पी सिक्स भरता है। तो इस तरह से इसका इस ग्रुप का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब रही बात एलिमेंट्स की, तो आप सबको एलिमेंट्स तो याद है ही, इनके लिख भी देता हूँ मैं, इनके एलिमेंट कौन कौन है। बोरोन फैमिली से स्टार्ट होता है वैसे, इसकी ट्रिक भी रहती है। ठीक है, बेटा मांगे कार स्कूटर तो भी है, बिना एलआईची गर्म इंडियन टी। ठीक है, 13 ग्रुप। उसके बाद 14 ग्रुप, काशी गए शंकर प्रभु। 15 ग्रुप, नानी पापा आंसू सब बीमार, अपनी अपनी ट्रिक होती है यार। 16 ग्रुप, ओल्ड स्टाइल से टेपो। उसके बाद 17 ग्रुप, फुल कलर ब्राइट अकाई टीवी। उसके बाद में नेक्स्ट 18 ग्रुप, हेना अगरकर जीरो। तो ये ग्रुप एलिमेंट मैंने आपके सामने रखे हैं जो इस पी ब्लॉक में रखे जाते हैं, आपके सामने पूरा पी ब्लॉक ड्रॉ किया हुआ है, और इस पूरे ग्रुप के एलिमेंट्स जो है इन सब एलिमेंट्स के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ पढ़नी हैं। तो आप भी प्रिपेयर भी रेडी कि अपन इस ब्लॉक को बहुत अच्छे से कंप्लीट करेंगे। ये एलिमेंट्स, ये पी ब्लॉक आपके सामने पड़ा, थोड़ा छोटा बनाया पर जगह के हिसाब से पूरा है। ठीक है, सेट है, चलो। तो इसके बारे में और बहुत सारी जानकारी, एक्चुअली इस ग्रुप में खास बात है, इस ग्रुप में मेटल है, नॉन मेटल है, मेटलॉइड है, और इतनी सारी वैरायटी, दोनों डाउट यार, इतनी सारी वैरायटी के रिएक्शंस भी बहुत सारा बनेंगे, और जितनी ज़्यादा वैरायटी के रिएक्शंस बनेंगे उतने ज़्यादा वैरायटी के क्वेश्चन बनेंगे, और जितने ज़्यादा वैरायटी क्वेश्चन बनते हैं ना वो चैप्टर उतना ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है। तो इस चैप्टर को अब नेक्स्ट अपन ग्रुप के अंदर चलेंगे, 15 ग्रुप और ग्रुप एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।